गोमंडी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की नाजमीन समीर खान महिला तालुका अध्यक्ष ने नशा मुक्ति जनजागृति अभियान की शुरुआत की, जहां सभी महिलाओं ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की और ड्रग्स बेचने वालों को चप्पल दिखाकर अपना विरोध जताया और कहा कि हमें कर दिखाना है, गोमंडी को ड्रग्स से बचना है। नारी शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है, नारी शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है, नशा बेचने वालों को जूए मारो सारे को। पुलिस अपना काम करती रहती है, अलग अलग एनजीओ है वो भी आती है, लेकिन जब तक लोकल पब्लिक वहाँ के रहने वाले स्थानिक लोग ये इसमें नहीं आओगे ये ड्राइव में ड्रग्स ड्राइव में, तब तक काम ये अभी बहुत आसान बन जाएगा। अब 7-8 दिन के अंदर पूरा काम बंद हो जाएगा। नाजमीन खान तालुका अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी से हूँ। 140 हमारे जो है इधर काफ़ी लोग मेरी ऑफिस पे आते हैं, लोग यही मसला लेके कि हमारे घर में मेरा बेटा नशा कर रहा है, मेरा शौहर नशा कर रहा है, और काफ़ी लोग इधर तादाद में आए हैं हमारे साथ में, और हमने बहुत दूर से रैली करी है गौतम नगर से यहाँ तक, और लेडीज़ को लेके आने का मकसद यही है कि लेडीज़ ही सब चीज़ को, जैसे आदमी जब नशा करता है तो एक औरत जात होती है जो घर के अंदर दुख तकलीफ उठाती है, वो आदमी का मार सहती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को परेशानी होती है, औरत जात को ही ज़्यादा पड़ता है तकलीफ। ये जब घर के अंदर मेन लेडीज़ ही होती है, आदमी तो दिन भर काम पे चला जाता है, तो लेडीज़ लोग का भी ये फ़र्ज है कि अपनी औलाद को ये देखे वो कहाँ बैठ रही है, कहाँ उठ रहे लोग लड़के लोग जैसे। हमारे कुछ ऐसा कहना है बुजुर्गों का कि जो इंसान अगर खुशबू में उठेगा तो खुशबू लेके उठेगा, बदबू में बैठेगा तो बदबू लेके उठेगा, तो ये लड़के लोग कहाँ बैठ रहे क्या नहीं है। माँ बाप का बहुत ज़रूरी है ये ध्यान देना कि हमारे बच्चे किस में जा रहे किस में नहीं जा रहे। आज यहाँ पे नशा मुक्ति मोर्चा लिए जन जागृति नशा मुक्ति मोर्चा लिए, तो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर स्लम एरिया होने की वजह से और अन एजुकेशन यहाँ पे पब्लिक में बहुत कम है, एजुकेशन देना बच्चों को बहुत ही ज़रूरी है कि नशे से कितना नुकसान है अपना। नाम खान है, मैं 138 के वार्ड अध्यक्ष हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितने भी नशा करते हैं उनको उनके खिलाफ मोर्चा हम निकाल रहे हैं और हमारा सफल होना चाहिए। सब माँ बाप सब परेशान है यहाँ पे, मुझे एक्चुअली कोई ग्रोथ ही नहीं दिख रहा है गोवंडी में, जहाँ जहाँ पे मतलब समाजवादी के कॉरपोरेटर है और बाकी एरिया में आप जाओगे दूसरे कॉरपोरेटर को देखोगे तो डिफरेंस आपको दिखेगा। जहाँ पे भी समाजवादी है वहाँ पे ग्रोथ है, मतलब यहाँ के यूथ कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। मतलब युवाओं को एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन नहीं रहेगी तो और काम वगैरह कुछ भी नहीं है। मेरा नाम सरीना शेख है, मैं लाजमीन मैडम की तरफ से आई हूँ, खड़े हुए हैं आ जाइए। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि आजकल जो माँ बाप जिस दौर से गुजर रहे हैं अपनी औलाद को लेके, वो है नशा। नशा जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, बेजान कर देता है, ये नशे के लिए आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्शन उठाइए, ऐसा वो उठाइए कि ये नशा मुक्त बंद होना चाहिए। क्यों हमारे नहीं, तमाम आवाम के बच्चे बिगड़ रहे, आदमी बिगड़ रहे, जो कि हम सोच भी नहीं सकते। जिनके घर में देखो उनके घर में इतनी तकलीफें हैं कि गरीब इंसान कांच पत्रा चुनता है, कागज चुनता है, लेकिन नशा करता है। तो ये हमारे अबू असीम आजमी साहब के नेतृत्व में आज हम लोगों ने ये एक रैली का रैली निकाला है, जिससे महिलाओं को जागरूक खास कर करने का आज हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं कि हम पूरे काफ़ी दूर से हम लोग ये रैली ला रहे हैं, क्योंकि मानपुर शिवाजी नगर में अक्सर आपने सुना होगा देखा होगा कि नशा बेचने वाले की तादाद ज़्यादा, पीने वालों की तादाद ज़्यादा, सुन सुनकर हम लोग काफ़ी परेशान थे। पुलिस प्रशासन भी कभी नशे वालों को पकड़ती थी फिर छोड़ देती थी, क्योंकि कितनी हद तक वो लोगों को पकड़ सकेंगे। तो हमने सोचा कि लोगों में अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। यंग जनरेशन है आजकल की, जो बच्चे हैं कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इंडिया में मतलब बहुत कुछ ऐसे हो रहा है कि मतलब स्लम में बच्चे लोग बिगड़ जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा कदम है, मैं इनको सपोर्ट करती हूँ और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए
क्या होता है कि आजकल के जो युवा हैं उनके लिए मतलब अच्छे भविष्य के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको समझ में आना चाहिए, वो समझ नहीं पाते, टीम एज के लोग होते हैं, समझ में आता नहीं कि करना क्या चाहिए, तो बहुत अच्छा कदम है, तो मैं इनको सपोर्ट करती हूँ, इसलिए मैं आई हूँ। और बहुत अच्छी बात है, लोगों ने इस चीज़ के लिए जागरूक होना चाहिए और इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, अपने अपने बच्चों को बचाना चाहिए। क्या होता है कि घर वालों को पता नहीं होता है बच्चा बाहर क्या करता है, मगर ये चीज़ अगर बंद हो जाएगी पूरी तरीके से, नशे की कोई चीज़ें मिलेगी नहीं, गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को बैन करेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आगे की पीढ़ी के लिए भी अच्छा होगा और हमारे सबके लिए ये बहुत अच्छा कदम है। थैंक यू। और हर लोगों ने इसके लिए सपोर्ट करना चाहिए, बस मैं ये कहूँगी। सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।